आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं बच्चे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। उन्होंने बता दिया है बच्चे कि फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम है वो हमारे पास क्या है, 4n माइनस में एन स्क्वायर। वट इज़ द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। वो कह रहे हैं फर्स्ट टर्म क्या है जो कि S1 है। देखिए बच्चे इसका मतलब क्या होगा, मैं अभी आपको बाद में बताती हूँ पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। वट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, आपको फर्स्ट टू टर्म्स का सम भी निकालना है। वट इज़ द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म बतानी है। सिमिलरली इसी प्रकार थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड द nth टर्म, थर्ड टर्म, टेंथ टर्म और nth टर्म भी आपको निकालनी है। ठीक है बच्चे, तो देखिए फर्स्ट टर्म दैट इज़ S1, इसका मतलब क्या है, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, अगर हम बोलेंगे हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे, फर्स्ट टर्म अगर मान लीजिए हम, मैं बोलती हूँ हमारी यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमारे जो S1 है, S1 क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, इसका मतलब यही होता है। अगर हम S2 लिखेंगे तो उसका मतलब है सम ऑफ टू टर्म्स, तो S1 क्या हो गया, सम ऑफ वन टर्म, और वन टर्म क्या है, 4, तो उसका सम क्या होगा, वो तो 4 ही रहेगा ना बच्चे, इसीलिए जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी A1 के बराबर होगी। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसको करना कैसे है। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए बच्चे इन्होंने क्या बताया है, सम ऑफ एन टर्म्स यहाँ पर गिवन है बच्चे, सम ऑफ एन टर्म्स है हमारे पास 4n माइनस में एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम पहले सबसे पहले निकालते हैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 1, 2, 3 सो ऑन। तो सम ऑफ वन टर्म हमें जहाँ जहाँ बच्चे n दिखाई देगा अब हम उसको 1 कर देंगे, 4 यहाँ पे 1 रख दिया माइनस में 1 का स्क्वायर, 4 1 जा 4 माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो ये आ गया 3। और ये क्या है बच्चे हमारे पास a, यानी a1 और a वो हमें पता चल गया है, वो क्या है हमारा 3। ठीक है बच्चे, अब देखिए अब हम निकालते हैं S2, सम ऑफ टू टर्म्स। तो सम ऑफ टू टर्म्स हमारे पास कैसे निकलेगा बच्चे, कि जब हमारे पास सम ऑफ टू टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही वैल्यू लेंगे सम ऑफ एन टर्म्स, तो उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ हमें एन दिखाई देगा वहाँ हम 2 पुट कर देंगे बच्चे, 4 2 8 माइनस में 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो S2 हमारे पास क्या है, यानी दो टर्म्स का सम वो हमारे पास क्या है बच्चे, वो है हमारा, और ये 3 जो है ये हमारी S1 भी है, इसको हम S1 भी बोल सकते हैं बच्चे, तो ये आ गया हमारे पास S2 है हमारे पास 4। अब देखिए सेकंड टर्म क्या होगी, A2 हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चे, S2 में से S1 माइनस कर देंगे, दो टर्म्स के सम में से एक टर्म को माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास A2 आ जाएगी बच्चे, तो S2 हमारे पास है 4 माइनस S1 है हमारे पास 3, तो ये आ गया बच्चे हमारे पास 1, तो A2 हमारे पास क्या है बच्चे, A2 आ गया है हमारे पास 1। देखिए A1 3 है, फिर हमारे पास A2 हमारे पास 1 आ गई। अब हम निकालते हैं बच्चे S3, तो S3 को भी सेम 4n माइनस में n स्क्वायर है, तो 4n की बजाय हम 3 पुट करेंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 12 माइनस में 9, तो अब देखिए बच्चे माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 3। और हम A3 टर्म कैसे निकालेंगे बच्चे, A3 जो तीन टर्म्स का जो सम है उसमें से हम दो टर्म्स के सम को S2 जो है वो माइनस कर देंगे, तो S2 हमारे पास 4 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं S3 माइनस में S2, तो S3 कितना आया बच्चे हमारे पास 3, और S2 है हमारे पास माइनस में 4, तो ये आ जाएगा माइनस में 1। तो देखिए यहाँ पर देखिए S3 हमारे पास कितना निकला है, सम ऑफ 3 टर्म्स है हमारे पास 3, और थर्ड टर्म यानी A3 हमारे पास कितना निकला है बच्चे, माइनस 1। ठीक है बच्चे, अब यहाँ तक हमने A1 A2 A3 हमारे निकाल ली, तो यहाँ से देखिए हम AP भी बना सकते हैं। हम A हमारे पास क्या है बच्चे 3, A2 हमारे पास क्या है 1, फिर A3 क्या है माइनस 1, ऐसे सो ऑन चलेगी। तो देखिए A की वैल्यू क्या है, A होता है हमारी जो फर्स्ट टर्म होती है वो होता है, तो A है हमारे पास 3।
अब इन्होंने क्या बोला है, हमें 10 टर्म निकालनी है, तो क्योंकि A10 हमें यहाँ पे निकालना है, A10, तो यहाँ पर हमारे पास n क्या हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। उसके अलावा हमारे पास d क्या हो जाएगा, d हम निकाल लेते हैं, A2 माइनस में A1, तो A2 क्या है हमारे पास, 1 माइनस में 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2, ठीक है बच्चे। तो अब देखिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन को हम लिख सकते हैं A10, यहाँ पर ए की वैल्यू है 3, प्लस में एन है हमारे पास 10 माइनस वन, और डी की वैल्यू है -2, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा प्लस 10 माइनस वन 9 मल्टीपल में -2। अब देखिए बच्चे 3 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 9 टू जाए 18, और 18 माइनस 3 करेंगे तो -15, यानी ए टेंथ टर्म जो है वो हमारे पास कितनी आ गई है, -15, ठीक है बच्चे। अब उन्होंने क्या बोला था, क्या बोला है, ए एन एथ टर्म, तो ए एन एथ टर्म अगर हम निकालेंगे तो ए प्लस एन माइनस वन डी, हमारा फॉर्मूला ये है बच्चे, ए हमें पता है यहाँ पर 3 है, 3 प्लस एन एथ टर्म तो हमें निकालनी है, इसलिए एन को एन रखेंगे एज इट इज़, डी की वैल्यू -2 है, तो देखिए 3, अब माइनस में 2n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 वन जा 2, 3 प्लस 2 करेंगे बच्चे तो 5 माइनस में 2n, यानी a nth टर्म हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 माइनस में 2n, ये हमारी a nth टर्म है। देखिए बच्चे अब उन्होंने क्या क्या बोला था निकालने के लिए, यहाँ पे इन्होंने बताया था सम ऑफ वन टर्म, या a जो है a1 हमारा क्या होगा वो निकालना था, वो हमने निकाल दिया 3। सम ऑफ टू टर्म्स पूछा था, वो हमने निकाल दिया है 4। उसके बाद उन्होंने सेकंड टर्म पूछी थी, सेकंड टर्म हमने निकाल दी है 1। उसके बाद थर्ड सम ऑफ थ्री टर्म्स भी निकाल दिया हमने 3, और जो थर्ड टर्म है वो भी निकाल दी हमने -1। उसके बाद उन्होंने बोला था टेंथ टर्म चाहिए, तो ये हमारी टेंथ टर्म हो गई है बच्चे, और फिर nth टर्म, तो ये हमारी nth टर्म हो गई है। तो ये हमसे पूछा गया था, ये हमने सब निकाल के दिखा दिया है आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। वो कह रहे हैं कि आपको फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं जो कि डिविजिबल बाय 6 होंगे। तो देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं डिविजिबल बाय 6, जैसे आप करोगे 6 का डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं बच्चे, पहले एपी हम बनाते हैं, तो एपी में हम क्या कर सकते हैं, देखिए 6 मल्टीपल में 1, तो 6 आ गया और ये 6 का डिविजिबल भी है, फिर 6 मल्टीपल में 2, तो 12 आ गया और डिविजिबल भी है, और इन्होंने फर्स्ट 40 का है, तो 6 से पहले कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 6 का डिविजिबल होगा, इसलिए हम 1 से शुरू कर रहे हैं बच्चे। फिर 6 मल्टीपल 3, तो वो भी 6 का डिविजिबल है, सो ऑन चलते चलते 40 पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है उन्होंने, तो 6 मल्टीपल में 40, तो यहाँ से AP हमारे पास क्या बन के आ जाएगी, 6 12 18 सो ऑन 240, ठीक है बच्चे। ये इस तरीके से आपके पास एपी बन के आ गई है। अब एपी में हमें क्या निकालना है बच्चे, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है इन्होंने, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ है, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, जो भी हमारी स्टार्टिंग टर्म होती है, ये हो गई हमारे पास 6। एन हमारे पास कितना है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब हमारे पास एन कितना हो गया बच्चे, 40 हो गया। अब D निकाल लेते हैं, तो D हो जाएगा हमारे पास A2 माइनस में A1, A2 कितना है 12 माइनस A1 है हमारे पास 6, तो अब इनको माइनस कर देते हैं 6, तो D की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई बच्चे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ 40 टर्म्स इन्होंने बोला है निकालने के लिए, तो अगर हम सम ऑफ 40 टर्म्स निकालते हैं, सम ऑफ 40 टर्म्स, इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं बच्चे, n अपॉन 2 a प्लस में l, तो n हमारा यहाँ कितना है 40 अपॉन 2, क्योंकि हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों पता हैं, इसलिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें लास्ट टर्म नहीं पता होती तो बच्चा हम करते 2a प्लस n माइनस 1d, वो वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, तो 20, a की वैल्यू है 6 प्लस में लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है 240, तो देखिए 20 मल्टीप्लाई में 246, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 6 12 कैरी 1, 8 प्लस 1 9, 2 2 जा 4,
और ये आगे आपके पास पीछे यहाँ पे जीरो थी तो 4920। ये हमारे पास बचे कितना हो गया, सम ऑफ 40 सम्स का सम ऑफ 40 टर्म्स का सम जो है वो कितना हो जाएगा 4920। ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे 13, उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। आपको फर्स्ट 15 मल्टीपल्स 8 का सम निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, तो देखिए बच्चे फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है जो कि मल्टीपल है 8। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एपी बनाई थी ना बच्चे, ऐसे ही हम इसमें भी कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 होने चाहिए और फर्स्ट 15 टर्म्स। तो फर्स्ट में हमारे पास 1 ही आएगा, फिर उसके बाद 8 मल्टीप्लाई 2, फिर 8 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि वो मल्टीपल 8 भी होने चाहिए। इस तरीके से चलते चलते 15 मल्टीप्लाई में 8। तो ये हमारे पास एपी की सीरीज हमारे पास बनके तैयार हो जाएगी बच्चे। 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, यहाँ पर 24, सो ऑन चलते चलते 15 8 जा 120। ठीक है बच्चे, अब देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है। ए यानी फर्स्ट टर्म होती है ये हमारे पास, वो है हमारे पास 8। अब एन, क्योंकि इन्होंने बता दिया 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो एन हमारे पास 15 है। और डी हमारे पास क्या है बच्चे, डी होता है हमारे पास ए टू माइनस में ए वन। तो ए टू है हमारे पास 16 माइनस ए वन है हमारे पास 8। तो 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 आ गया, और यहाँ से हमें सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है बच्चे। तो देखिए सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, क्योंकि इसमें भी हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता है बच्चे, हम यहाँ पे भी यही लगा सकते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लग जाएगा एन अपॉन टू ए प्लस एल। तो एन कितना है हमारे पास सम ऑफ 15 टर्म्स, तो 15 अपॉन टू ए है बच्चे हमारे पास 8 प्लस में लास्ट वाली टर्म है हमारे पास 120। तो इसका सॉल्व कर लेते हैं, 15 अपॉन टू मल्टीप्लाई में 8 प्लस 120, तो ये हो जाएगा 128। ठीक है बच्चे, अब ये देखो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 वन जा 2, 2 सिक्स जा 12, 2 फोर जा 8। ठीक है बच्चे, अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास क्या बच गया है 15 मल्टीप्लाई में 64। तो 15 फोर जा 60 का 0 कैरी 6, 15 सिक्स जा 90 प्लस 6 तो 960। यानी सम ऑफ 15 टर्म्स हमारे पास कितना आ गया बच्चे 960। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं बच्चे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।